सो गुड इवनिंग। आज हमारे पास चार इम्प्लांट डालने का है, एक 3-4, 3-5, 3-6 में हम लोग डाल रहे हैं और एक 4-6 में डाल रहे हैं। तो हार्डली हमें 10 to 20 मिनट्स लगता है, मतलब लगेगा अगर हम लोग चारों इम्प्लांट अगर डालना होगा। मैंने एक्चुअली पॉज किया अभी थोड़ा मेरा काम ये लाइव लेने के लिए कि मैं इम्प्लांट प्लेस कर सकूं, तो मैंने ड्रिल ऑलरेडी कर दिया है, मतलब अराउंड 2-3 ड्रिल ही डाला है, मतलब साइजेस के हिसाब से। सो अभी मैं प्लेसमेंट का ही बता देता हूँ कि कितना हम लोग फटाफट प्लेस कर सकते हैं इम्प्लांट। सो ये हमारा साइट है जो हम लोग का, हमने ड्रिल कर रखा है, और देखो लीजिए 3.5। सो अगर आप देख पाएंगे क्लोजली तो ये हमारे साइट है, कितना बढ़िया ड्रिल हुआ है, बोन क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, और हम लोग अभी 3.5 का ही डाल रहे हैं। सो टॉर्क इज सेट 235, और हम लोग अभी 3.5 डाल रहे हैं एट द रीजियन। ये है हमारा 3-4, जो 35 टॉर्क में मैं डाल रहा हूं, तो इट्स परफेक्ट। और अगर आप देखेंगे इट्स एट द बोन, मतलब बढ़िया बोन लेवल पे है। मुझे टॉर्क और देना होगा तो मैं 5 टॉर्क और देके थोड़ा सा बोन के अंदर डाल सकता हूँ, बट मैं उसको हैंड टॉर्क दूंगा बाद में। और अभी हम लोग डालेंगे 5 में 3-5 में। तो हार्डली टेक्स, अगर आप लोग डालो तो, अगर टेक्निक ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो हार्डली टेक्स अराउंड एक इम्प्लांट डालने के लिए अराउंड 10 मिनट्स, नॉट इवन मोर देन 10 मिनट्स। तो ये हम लोग डाल रहे हैं 4.5, 8.5। आई विल शो यू द एक्सरे, सेम टॉर्क 35 में है। तो ये भी आप अगर देखें, इम्प्लांट मेरा 35 टॉर्क बोन लेवल के ऊपर ही स्टॉप हुआ है। नाउ आई विल गो अगेन, जो 6 एरिया है वहां पे भी हमने डाल रखा है 3, 4.5, 8.5, अगेन विल प्लेस। और इधर का हमने 4-6 में डाल रखा है 5, 8.57। तो ये 35 टॉर्क इज देयर, ये हमने डाल दिया। परफेक्ट। सो अभी हम डालेंगे 4-6 में, इधर वाला वर्क मेरा कंप्लीट हो गया, मुझे बस हैंड टॉर्क देना है थोड़ा सा, और नहीं भी दो तो मैं वहां डाल सकता हूँ। तो ये है मेरा 5-7 इन द 4-6 एरिया। तो ये हमने 4 इम्प्लांट डाल दिया, अभी हम चारों का एक्सरे ले लेंगे। ये 35 हो गया, देखिए ये एट द लेवल ऑफ बोन हो गया पूरा, इसमें मुझे हैंड टॉर्क देने का भी जरूरत नहीं, एक्चुअली किसी में भी देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव टेकन अ टॉर्क ऑफ 35 न्यूटन। तो 30 से अबव का न्यूटन आपका आने से इट्स मतलब ज्यादा अच्छा है, वो आपको बेटर ओसियो इंटीग्रेशन देगा। तो वी विल गो विद द एक्सरेज नाउ। तो यहाँ पे मेरे को 4-6 में टॉर्क नहीं देना था, बट स्टिल आई जस्ट चेक इट। हाँ 35 मेरा परफेक्ट है। ये क्रॉस चेक करने के लिए कि ठीक है कि नहीं है, तो यहां पे मैं कवर स्क्रू दे दूंगा और फिर एक्सरे ले लूंगा। पहले मैं 4-6 का लेने वाला हूं। यहाँ पे आप हीलिंग दे सकते हो, मुझे पेशेंट को एक एफपीडी देना है ये 5 और आई मीन 4 to 7 में, इसलिए मैं यहाँ हीलिंग नहीं दे रहा हूँ, वरना मैं नॉर्मली हीलिंग कभी कभी प्रीफर कर देता हूँ देने के लिए। तो मैं अभी 4-6 का लूंगा, एंड यू कैन सी द एक्सरे ओवर। तो इट्स पैरेलल एंड इट्स परफेक्ट, जितना जाना चाहिए पूरा टू दी एडिक्वेट टू द बोन है। तो ये हो गया आपका 4-6। अभी मैं हैंड टॉर्क दूंगा अपना जो 3-5 एरिया है, मैं चेक भी कर लूंगा एक्चुअली टॉर्क ठीक है कि नहीं। परफेक्ट 35 नाउ, या 40। ये थोड़ा एंटीरियर में है तो एंगुलेशन में थोड़ा दिक्कत होगा, बट ये अगर आप देखेंगे मेरा फ्री हैंड इम्प्लांट है,
मैंने कोई गाइड वगैरह बनाया नहीं है, और फ्री हैंड इम्प्लांट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इम्प्लांट टू इम्प्लांट जो आप पैरेललिज्म मेंटेन करें, वो पेशेंट कोई भी कंडीशन में रहे तो वो पैरेललिज्म मस्ट है कि आप उसको मेंटेन करो, तो वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। लोगों को समझ में आए कि कितना हम लोग 35 में आ गया और हम लोग कितना टॉर्क में हम दे रहे हैं एक्चुअली। तो एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरे को अगर आप बोलें कि 20 मिनट से या 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट अगर आप वैसे फटाफट करके आप डालने वाले हैं तो ये आप देखिए मैंने उसको थोड़ा सा टॉर्क दे दिया अंदर, तो बट पैरेलल तो है ही। हाँ, तो ये मेरा लास्ट इम्प्लांट है, इस पर भी मुझे 35 ऑलरेडी टॉर्क मैंने दिखा रखा था कि मैंने सेट किया हुआ है, तो ज्यादा मेरे को चाहिए नहीं। अभी हम लोग इनका टेम्परेशन के लिए पहले से क्राउन प्रिपरेशन कर दिया था और हम ले लेंगे अभी सर का एफपीडी के लिए इम्प्रेशन, और दो से तीन दिन बाद एक एफपीडी डाल देंगे। तो ये पैरेललिज्म देख लीजिए, दोनों इम्प्लांट ठीक है, उसके बगल वाला तो आएगा नहीं इतना परफेक्ट। तो टोटली वी हैव प्लेस्ड अराउंड 4 इम्प्लांट्स, सो इम्प्लांट का काम खत्म। नाउ वी विल फटाफट हम लोग सूचरिंग कर देंगे। सूचरिंग भी हार्डली आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, वट एवर सूचरिंग यू वॉन्ट, इफ यू वॉन्ट टू गिव कंटिन्यूअस दे सकते हो, सिंपल इंटररप्टेड दे सकते हो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिस भी दे सकते हो, वर्टिकल मैट्रिस भी आप दे सकते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आप कौन सा लाइक करते हो। तो हार्डली उसी सूचरिंग में ही आप लगा दो और निकाल लो। इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको सेफ रहता है कि कंटिन्यूअस सूचर में कहीं मिस हो जाए तो यू विल फाइंड सम डिफिकल्टी, बट इसमें नहीं, इसमें आपको थोड़ा ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा कि सूचर्स जो हैं मिस नहीं होंगे। और थोड़ा स्टेबिलिटी भी अच्छा रहता है। तो ये अगर आप सूचरिंग देखें तो आई जस्ट शो यू द सूचरिंग, कट दे। तो ये अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूअस लॉकिंग का ये थोड़ा अच्छा है कि ये लॉक्ड है, तो ये थोड़ा बेटर मतलब हेल्प होता है आपको कि ब्लीडिंग वगैरह अरेस्ट होने में। अभी देखिए कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं, तो यहाँ पे एक सिंपल इंटरप्टेड सूचर में मार देता हूँ, मारते मारते मैं आपको बोल भी देता हूँ कि ये हमने जो इम्प्लांट किया है ये मतलब 2-3 दिन पहले ही हमने डिसाइड किया कि विल प्लेस सर का इम्प्लांट हमने डालना है, क्योंकि एक रीजन ब्रिज हो सकता था, सब हो सकता, लेकिन उस साइड हमारा प्रोस्थेसिस के लिए कुछ और बचा नहीं है, तो हमने सोचा कि हम इम्प्लांट दे दें और सर को कहीं बाहर जाना है 3 महीने के लिए, तो हमने सोचा कि एक एफपीडी दे दिया जाए। एक्चुअली वहां पे ब्रिज एक था तो मैं नहीं चाहता था कि ब्रिज और रिपीट हो, क्योंकि ब्रिज की लाइफ स्पैन ऑलरेडी 10 ईयर्स हो चुका है सर का, और पीछे वाला टूथ जो है वो एंडो हो रखा है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि एंडो हम लोग प्रीफर नहीं करते, ब्रिज नहीं प्रीफर करते, बट दैट इज ऑल्सो फाइन, ये भी ठीक है अपने हिसाब से, क्योंकि हाइट वाइट नहीं है, मैं नहीं चाहता कि बाद में प्रॉब्लम हो। बहुत लोग बोलते हैं कि एंडो ही बेटर है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी चीज बेटर है, कोई भी चीज ये है, बट इट्स अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स, मतलब कितनी मतलब प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है वो देख के ही आपको काम करना पड़ेगा। तो ऑल आर गुड, कोई किसी से कम नहीं है। बंद करो सर, कम दे। तो पेशेंट से भी एक बार फीडबैक ले लेता हूँ मैं लाइव। सर का आंख तो वैसे ही बंद है, तो सर आप वो पेन किसी हला किसी नहीं? नो पेन। कितना टाइम में हो गया इम्प्लांट आपका? 20 मिनट्स बस। तो वही है, पेन कुछ होता नहीं, लोगों को डर लगता है इम्प्लांट में पेन होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो होता है अगर एनेस्थीसिया वगैरह से, थोड़ा बहुत तो एप्रीहेंसिव रहता है, बट वो वैसे पेन वगैरह कुछ नहीं रहता। तो एनीवे, हमारा चैनल है Dr. Sanjeev Rao यूट्यूब में, हम लोग इसको विस्तार से बढ़िया से उसको एडिट करके फिर डालेंगे कि आपको इंटरेस्ट लगे, आपको अच्छा लगे,
और उसमें बहुत सारे केसेस हमारे अपलोड होते रहते हैं, ट्रांसप्लांट के, कॉस्मेटिक के, डेंटल के भी, बहुत सारे अवेयरनेस भी हम लोग डालते रहते हैं। तो आप लोग, मैं नीचे में डाल दूंगा इसका जो यूट्यूब का लिंक है हमारा, तो आप लोग जाइए उसमें देखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। सो थैंक यू।